नमस्कार वीके न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओबीसी समाज भाजपा को सबक सिखाएगा, नाना पटोले ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। विधान परिषद चुनाव का बहिष्कार करेगी बसपा, प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने ने किया ऐलान। और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निवासी डॉक्टरों ने शुरू किया आंदोलन, ओपीडी में नहीं दे रहे सेवा, कोविड काल में डॉक्टरों के आंदोलन से बढ़ जाएगी परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर जिला परिषद के उपचुनाव में जनता ने भाजपा को उसकी जगह दिखा दी, बावजूद इसके वह सुधर नहीं रहे हैं। आने वाले चुनाव में ओबीसी समाज भाजपा को उनकी जगह दिखाएगा, तब शायद भाजपा की अकल ठिकाने आए। यह भड़ास कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा पर निकालते हुए बीजेपी को नसीहत दी है। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण, राजकीय आरक्षण वापरण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न केलेला आहे। सर्व पक्षीय प्रमुखांच्या मीटिंगाही झाल्यात माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे, आणि 50% आत आरक्षणाच्या ज्या मर्यादा माननीय सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेल्या आहेत, त्याच्या आत असलेलं आरक्षण या पद्धतीने अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आणि त्या अध्यादेशाला मान्यता माननीय राज्यपाल महोदयांनी दिली, आणि त्या पद्धतीनं या ओबीसी आरक्षण घेऊन या निवडणुका लावल्या गेलेल्या होत्या। भाजप याच्यामध्ये ओबीसीचं खऱ्या अर्थानं जे भाजपने ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण संपवण्यासाठी 2017 जो प्रयत्न केला आणि त्याच्यामुळे पूर्ण देशातल्या ओबीसीचं आरक्षण संपवण्यामध्ये त्यांना यश आलं, महाविकास आघाडीच्या सरकारने ते वाचवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केला, आणि या पद्धतीनं बीजेपी हा जो मागेहून खेळ ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्न करते आहे, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे। नागपूरच्या निवडणुकीमध्ये ज्या जिल्हा परिषदच्या जे बाय इलेक्शन झाले त्याच्यामध्येही नागपूरच्या जनतेनं बीजेपीला धडा शिकवला आणि ते सगळं स्पष्ट झालेलं आहे, आणि हे सगळं असताना सुद्धा अजून हा पाठीवरून वार करण्याचा जो प्रयत्न भाजप करते आहे, आणि एकीकडे आम्हीच ओबीसी समाजाचे कैवारी आहोत अशा पद्धतीचा प्रयत्न करतात आहे। माननीय सुप्रीम कोर्टामध्येही सुद्धा केंद्र सरकारकडून एम्प्रिकल डाटा मागितला गेलेला होता, त्यावेळेसही केंद्र सरकारने सांगितलं की आम्ही एम्प्रिकल डाटा देणार नाही। मी स्वतः विधानसभेचा अध्यक्ष असताना जनगणनेचा ठराव घेतला आणि त्यावेळेसही देशाचे गृहमंत्री अमित शहाजींनी सांगितलं की आम्ही ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना करणार नाही आणि एम्प्रिकल डाटाही देणार नाही। भाजपचं नाचता येत नाही पण अंगण वाकडं ही जी भूमिका आहे ती भाजपने स्पष्ट केली पाहिजे। केंद्रा लोकसभेमध्ये केंद्राच्या गृहमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीनं भूमिका मांडलेली आहे ती ओबीसी विरोधी भूमिका मांडलेली आहे। राज्य सरकारला ओबीसी समाजाला न्याय द्यायचा आहे म्हणून त्यांनी आयोग बसवला आहे। राज्य सरकारने जे सुप्रीम कोर्टाचे जे नॉर्म्स आहेत, जे आदेश आहेत, त्याचं पालन करून आत्ता जो अध्यादेश काढलेला आहे तो 50%च्या आत काढलेला आहे, आणि हे जे आपले बिलन टू माननीय सुप्रीम कोर्टात पाठवायचे, मोठे मोठे वकील लावायचे, जे लोक सुप्रीम कोर्टात गेले त्यांचं अगर तुम्ही त्यांची आर्थिक आपण पाहिली परिस्थिती, तर तुम्हाला लक्षात येईल की त्याच्या पाठीमागं कोण आहे। हे मोठे वकील जे सुप्रीम कोर्टात लावले जातात ते कोण लावतात, हे सगळं माहिती घेतली तर ते तुम्हाला कळेल। एक गोष्ट या ठिकाणी आहे की मी ओबीसी समाजाच्या राजकीय शैक्षणिक अधिकारामध्ये आम्ही जागरूक आहोत आणि मी विधानसभेचा अध्यक्ष असताना जी भूमिका मांडली ती देशाने पाहिली। आम्हाला ओबीसी समाजाच्या संवैधानिक अधिकारामध्ये जो कोणी आडवं येईल त्याला आम्ही त्यांचा चेहरा जनतेसमोर मांडू, पण एक गोष्ट निश्चितपणे आहे, मी मुद्दाहून सांगितलं की जे आयोगही बसवलेलं आहे त्याची एक प्रक्रिया आहे। आता राज्य सरकार त्याला जीवन त्याने मधल्या काळामध्ये कोरोना जो आला, कोरोनाच्या काळामध्ये आयोगाने सांगितलं की आम्ही काम करणार नाही, आणि आता त्याच्या प्रक्रिया सुरू आहे। ज्या पद्धतीनं तातडीनं निवडणुका लावल्या गेल्या
या निवडणुका खरंतर सध्या ह्या सगळ्या ओबीसी आरक्षणाची सगळी भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर लावायला पाहिजे होत्या, पण ह्या निवडणुका एवढ्या घाईघाईने का लावल्या गेल्या, काय त्याच्यामागं कोण आहे, या सगळ्या गोष्टीला आता तपासणीची आहे. आणि आम्ही राज्य सरकारलाही सांगणार आहे की हे स्पष्ट केलं पाहिजे, कारण की लोकल बॉडीज निवडणुकाला राज्य सरकारच्या संमतीनं आणि राज्यातल्या परिस्थितीला आधार घेऊन या लोकल बॉडीज निवडणुका लावल्या गेल्या पाहिजेत. पण निवडणूक आयोग ज्या पद्धतीनं घाई करतं आणि याच्या मागं नेमकं कोण आहे, या सगळ्या गोष्टीची आता स्पष्टता जनतेसमोर आली पाहिजे. बहुजन समाज पार्टी ने विधान परिषद की नागपुर स्थानीय निकाय सीट के चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है. बसपा के प्रदेशाध्यक्ष संदीप ताजने ने यह जानकारी देते हुए कहा, कांग्रेस एवं भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू है. कांग्रेस ने तो आरएसएस से उम्मीदवार आयात कर अपना असली चेहरा दिखा दिया है. ऐसी परिस्थिति में बसपा के नगर सेवक किसी को भी मतदान नहीं करेंगे. बसपा के इस फैसले से अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को लाभ होगा, क्योंकि उनके पास अधिक संख्या बल है. कांग्रेस एवं भाजपा एक समान है. फुले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा से दोनों दूर है. कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा की पूरक है. कांग्रेस ने संघ का उम्मीदवार देकर यह सिद्ध कर दिया है. विधान परिषद चुनाव में बसपा का कोई भी उम्मीदवार नहीं है. ऐसे में पार्टी के 12 नगर सेवक किसी को भी मतदान नहीं करते हुए तटस्थ रहेंगे. मनपा अपने दम पर ताजने ने कहा कि इस बसपा के लिए इस दौरान स्पष्ट कहा कि बसपा मनपा चुनाव में कांग्रेस एवं भाजपा से दूरी बनाकर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी. नीले झंडे के नीचे बसपा अधिक से अधिक सीटें जीतेगी. चुनाव बाद बसपा का महापौर बनने के अलावा अन्य कोई पर्याय नहीं होगा. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की संभावना के मद्देनजर महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन भी एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं. दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से आने वाले किसी भी यात्री के लिए एयरपोर्ट पर अलग से स्क्रीनिंग और जांच के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था होगी. एयरपोर्ट पर पहुंचते ही इन यात्रियों को तुरंत आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा. महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा जारी किए निर्देश के अनुसार इन यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना होगा. 7 दिनों बाद पुनः इनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा. यदि आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव पाया गया तो कोविड के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा. यदि 7वें दिन की आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आता है तो यात्री को बाद के 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा. इसके साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी तो होगा, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा. ऐसे यात्रियों का पता, वाहन और मोबाइल नंबर लेने के बाद होम क्वारंटाइन के लिए जाने की इजाजत दी जाएगी. घरेलू उड़ानों के लिए एक तो यात्री के पास वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र या फिर 72 घंटों के भीतर की आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा. 15 दिनों में आए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सफर को लेकर इमिग्रेशन विभाग की ओर से जानकारी खंगाली जाएगी. यदि गलत जानकारी उजागर हुई तो कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जोनल मेडिकल टीम की ओर से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी. चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि ओबीसी समाज का राजनीतिक आरक्षण रद्द करने के पीछे इस समाज का अहित देखने वालों की गहरी साजिश है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को कहीं कोई धक्का नहीं लगाते हुए राज्य सरकार ने ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण का अध्यादेश जारी किया था. देश के कई राज्यों में वहां की राज्य सरकारों द्वारा इसी के अध्यादेश के आधार पर चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के आरक्षण को सेंध लगाने की दृष्टि से ही कुछ अदृश्य ताकतों ने न्यायालय में कदम रखा है. राज्य के पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह वही ताकतें हैं जो ओबीसी समाज का हित नहीं चाहती है. मंत्री वडेट्टीवार ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के नागपुर और औरंगाबाद के खंडपीठ में ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में 2 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी. बाद में यही 2 याचिकाकर्ताएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, जिनके पास सुप्रीम कोर्ट में लड़ने तक की रकम नहीं थी. उनके पास इतनी रकम आई कहां से? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से ही ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया है. केंद्र सरकार द्वारा इंपीरियल डेटा उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में ही राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी किया था. इस आरक्षण के तहत संविधान के दायरे में रहकर ही 50% आरक्षण के भीतर ही यह आरक्षण देने का प्रयास राज्य सरकार का था. इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के वर्तमान आरक्षण को कहीं कोई आहत नहीं पहुंचाई गई थी.
उन्होंने बताया कि आगामी दो दिनों में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें ओबीसी आरक्षण स्थगित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की जाएगी, विधितज्ञों से बात की जाएगी और आगे की भूमिका तय होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर प्रवेश प्रक्रिया में देरी से निवासी डॉक्टरों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। इससे पहले सेंट्रल मार्ट के आह्वान पर निवासी डॉक्टरों ने आंदोलन किया था, साथ ही सरकार से जल्द प्रक्रिया कराने की मांग की थी। सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से राज्य भर के निवासी डॉक्टरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इस दौरान निवासी डॉक्टर ओपीडी में सेवा नहीं देंगे। मेडिकल पाठ्यक्रम के स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने के लिए नीट पीजी परीक्षा ली जाती है। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में देरी की वजह से नए प्रवेश नहीं हो सके, जिससे निवासी डॉक्टरों पर काम का दबाव बढ़ गया है। प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग को लेकर सोमवार से मेयो और मेडिकल के निवासी डॉक्टरों ने ओपीडी में अपनी सेवा देना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि इस वर्ष यह परीक्षा पहले जनवरी में ही ली जानी थी, लेकिन उसे आगे बढ़ाकर मई और फिर बाद में 12 अगस्त कर दिया गया। करीबन 8 महीने परीक्षा में देरी होने के बाद सितंबर में ऑल इंडिया काउंसलिंग होने वाली थी, लेकिन आरक्षण विषयक याचिकाओं की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश प्रक्रिया पर 6 जनवरी 2022 तक रोक लगा दी है। नीट पीजी की प्रक्रिया में रोक होने से नए डॉक्टर अब तक मेडिकल कॉलेज में नहीं आए हैं। निवासी डॉक्टरों के राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन से मरीजों की परेशानी बढ़ गई। मेडिकल और मेयो में निवासी डॉक्टरों ने ओपीडी में काम नहीं किया, जबकि वार्ड और इमरजेंसी सेवा जारी रखी है। आईजीएमसी का वार्ड प्रेसिडेंट आहे सर। आम्ही नीट काउंसिलिंग लवकर आणि जलद गतीने होण्यासाठी या मागण्यासाठी आम्ही सध्या ओपीडी सर्व्हिसेस मधून आम्ही आमचं ओपीडी सर्व्हिसेस रेसिडेंट डॉक्टरच्या बंद केलेले आहेत। सध्या जी नीट पीजीची एक्झाम होती मार्चमध्ये जी होणार होती ती सप्टेंबरमध्ये झाली, त्याचा रिझल्ट ऑक्टोबरमध्ये लागला। त्याच्यानंतरही एवढा दिवस होऊ नये नीटची काउन्सिलिंग झाली नाही। त्यानंतरही जेव्हा कोर्टमध्ये केस दाखल करण्यात आली, त्याच्यानंतर असं लक्षात येतं आहे की या जी काही प्रोसिजर आहे त्याला दिवसेंदिवस डिले करण्यात येत आहे। जी काही प्रोसिजर असते काउन्सिलिंगच्या प्रोसिजरमध्ये, जी काही क्रायटेरिया जे डिसाईड व्हायला पाहिजे ते एक्झामच्या अगोदर व्हायला पाहिजे तसं पाहायला गेलं तर, परंतु हे जे काही आहे सिस्टीमकडून जी काही डिले होत आहे त्याला आमचा विरोध आहे। सध्या जे रेसिडेंट डॉक्टर्स 3 JR आणि JR बॅच सध्या काम करायला होत्या, ते सध्या 2 JR बॅच काम करत आहेत, म्हणजे 2/3 एवढेच फक्त रेसिडेंट डॉक्टर सध्या काम करत आहेत। त्याच्यामुळे जे रेसिडेंट डॉक्टर काम करत आहेत त्यांच्यावरतीही दबाव, कामाचा ताण वाढलेला आहे। याच्यामुळे कोविड जे काही पेशंट आहेत पेशंट केअर पण सध्या अफेक्ट होते। यातच तिसरी लाटची कोविडची जी येणार आहे त्याची अपेक्षित आहे, आणि अशा वेळेस जेव्हा रेसिडेंट डॉक्टरची कमी राहणार तेव्हा सरकारकडे ऑप्शन आहेत का खरोखर याची पण लक्षात घेतलं पाहिजे। आता रेसिडेंट डॉक्टर काम करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत की अजूनही, म्हणजे इतक्या दिवस आम्ही काम केलेलं आहे आणि आम्हाला कोणताही इंटरेस्ट नाही की पेशंटची सर्व्हिसेस आमच्या याच्यावरती ताण पडला पाहिजे किंवा पेशंटची गैरसोय झाली पाहिजे। परंतु जेव्हा आम्ही लक्षात घेतो की या कमी रेसिडेंट डॉक्टरमध्ये काम करून जेव्हा पेशंटची गैरसोय होती आहे, तर आम्ही अशा वेळेस ॲडमिशनला सुप्रीम कोर्टला आणि गव्हर्नमेंटला अशी मागणी करतो जी काही प्रोसेस आहे काउन्सिलिंगची ती जलद गतीने करायची।
मकर संक्रांति के अवसर पर नागपुर शहर में बड़े पैमाने पर पतंगोत्सव मनाया जाता है। इसके लिए नायलॉन मांजा बड़ी मात्रा में बेचा जाता है। पिछले साल नायलॉन मांजे का बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके लिए पुलिस ने नायलॉन मांजा विक्रेताओं पर छापेमारी कर कार्रवाई की थी, लेकिन अभी भी शहर में व्यापक रूप से नायलॉन मांजा बेचा जा रहा है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर शहर में पतंगोत्सव मनाया जाता है। इसके लिए शहर के महल, गांधीबाग, धर्मपेट और इतवारी के इलाकों में पतंग और मांजे की दुकान लगती है। इन दुकानों में नायलॉन मांजा बेचा जाता है। आमतौर पर पतंग उत्सव के एक डेढ़ महीने पहले दिल्ली से लाखों का माल शहर में बिक्री के लिए आता है। इसे विभिन्न दुकानों में पहुंचाया जाता है। इसके बाद इसे चोरी छिपे बेचा जाता है। नायलॉन मांजा, जो पर्यावरण और मनुष्य और पक्षियों के लिए बेहद खतरनाक है, इस मांजे ने अब तक कई लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हो गए हैं। नतीजन कई स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं। इसलिए पिछले साल से इस मांजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कुछ व्यापारियों के यहाँ छापेमारी की गई और भारी मात्रा में सामान भी जब्त किया गया। हालांकि इस साल भी नायलॉन मांजा की बिक्री के लिए शहर में तस्करी कर लाया गया है, इसलिए इस साल भी इसकी बिक्री मजबूत रहने की संभावना है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए हॉस्टल खाली करने के निर्देश जारी किए थे। इसलिए नागपुर में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के छात्रों ने किराए के मकान की तलाश की थी। अधिकांश छात्र अपने गांव लौट गए थे। करीब डेढ़ साल बाद जब कॉलेज शुरू हो रहे हैं तो हॉस्टल भी शुरू हो रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के डर से क्या हॉस्टल फिर से बंद कर दिए जाएंगे, अब छात्रों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है। कोरोना की वजह से नागपुर विश्वविद्यालय ने हॉस्टल खाली करा दिए थे, साथ ही समाज कल्याण विभाग के हॉस्टल भी बंद हो गए थे। लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम हुआ, हॉस्टल भी खुलने लगे। अब महानगर पालिका ने विश्वविद्यालय में नया कोविड सेंटर बनाया है। इस हालत में यह सवाल उठने लगा है कि भविष्य में विश्वविद्यालय के हॉस्टल फिर से बंद किए जाएंगे क्या। छात्रावास में रहने वाले छात्र बाहर गाँव के है, वे शिक्षा के लिए शहर में आते हैं। निर्धन परिवारों के होने के कारण शहर में किरायों का कमरा लेकर पढ़ाई करना मुश्किल होता है। वही समाज कल्याण के हॉस्टल में भी अलग अलग गांव के छात्र रहते हैं। अब एक बार कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से स्थिति बिगड़ने की संभावना है, तो फिर क्या इन हॉस्टलों को भी बंद किया जाएगा। अब कुछ दिनों बाद विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा ली जाएगी। इस हालत में हॉस्टल बंद होने से छात्रों की परेशानी बढ़ जाएगी। नागपुर से लोहे के कॉइल लाद कर तेज रफ्तार से मुंबई की ओर जा रहे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नांदोरा फाटे के पास पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। महामार्ग पर वाहनों की आवाजाही कम होने से बड़ी अनहोनी टल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोंडाली अमरावती मार्ग पर रविवार की दोपहर करीब 4 बजे कोंडाली से 1 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटनाओं के लिए माना जाने वाला नांदोरा फाटे के पास नागपुर से लोहे के कॉइल से लदा ट्रैक्टर मुंबई की ओर जा रहा था। दुर्घटना के समय ट्रैक्टर की गति काफी तेज होने से वह अनियंत्रित होकर सुरक्षा कटड़े को तोड़ते हुए सड़क से पलटकर लगभग 50 फीट नीचे जा गिरा। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर का कैबिन ट्रैक्टर से टूटकर अलग हो गया। कुछ हिस्सा सड़क पर और कुछ हिस्सा सड़क के नीचे बिखर कर गिर गया। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक सुजीत कुमार श्रीनाथ उजगवान जौनपुर उत्तर प्रदेश निवासी यह गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर के कैबिन में फंसे गंभीर घायल ट्रैक्टर चालक को वहां के मौजूद राजू शेख पट्टा ने बाहर निकालकर कोंडाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया। घटना की जानकारी कोंडाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर कोंडाली के थानेदार चंद्रकांत काले, एएसआई दिलीप इंगले, राजेंद्र बांबल, पुलिस नायक इमरान शेख आदि ने पहुंचकर ट्रैक्टर के बिखरे पड़े हिस्से को सड़क कोंडाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अनिल मडावी ने प्राथमिक उपचार कर घायल को नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया। नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय के तहत विभिन्न पुलिस स्टेशन में कार्यरत 51 पुलिस कर्मियों के अंतरजिला तबादले किए गए हैं। मुंबई पुलिस नियमावली भाग 1 के नियम 167(3)(n) के प्रावधान के तहत कर्मचारियों के तबादलों की मंजूरी दी गई है। इस अंतरजिला तबादले की सूची को मंजूरी मिलने के बाद 31 दिसंबर 2021 को पुलिस कर्मियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है। कर्मचारियों की विनती के अनुसार चंद्रपुर, धुले, जालना, अकोला, अहमदनगर, सोलापुर, अमरावती, हिंगोली, बीड, बुल्ढाना, औरंगाबाद तबादले हुए हैं। इस संबंध में नागपुर शहर पुलिस मुख्यालय के आयुक्त डॉक्टर संदीप पखाले ने सोमवार को पुलिस आयुक्त के निर्देश पर सूची सहित आदेश जारी किए हैं। सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।